1 नवंबर 2019 को आप जानते हैं हरियाणा को राज्य बने आज 53 साल पूरे हो चुके हैं। हरियाणा राज्य की 53वीं वर्षगांठ पर आज हम अपने चैनल पल पल से हरियाणा की राजनीति के एक बड़े सीनियर नेता, वरिष्ठ नेता चौधरी दूड़ा राम जी के कार्यालय में फतेहाबाद से आपसे मुखातिब हैं। और आज हम दूड़ा राम जी से उनकी भावी रणनीति, जैसा कि आप जानते हो अभी इस चुनाव में 24 तारीख को जो रिजल्ट आया अक्टूबर को, आप भारतीय जनता पार्टी के फतेहाबाद शहर से विधायक चुने गए। और मैं ऐसा समझता हूँ कि इनके अंदर जो मानवीय मूल्य हैं और जो आम आदमी से ये जुड़े रहे, इसी का परिणाम रहा कि ये यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में, हालांकि बिल्कुल एक महीना पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने इनको अपने साथ मिलाया ये सोच कर कि ये भाभी हमारे एक MLA में इजाफा करेंगे, और वही बात हुई, आपने विजय हासिल की। हम आपसे बातचीत करेंगे चौधरी दूड़ा राम जी, आप हरियाणा की राजनीति में नए नहीं हैं, लगभग 45 वर्षों से आपका सीधा दखल है हरियाणा की राजनीति में और वरिष्ठ आप एक नेता हैं, तो आज भारतीय जनता पार्टी के आप विधायक हैं, और जैसा कि सभी जानते हैं पिछले 2 अक्टूबर 2014 से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अब भी पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तो आप एक ऐसे समाज से ताल्लुक़ रखते हैं जो कि पर्यावरण के लिए समर्पित है पिछले 550 सालों से, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि सारे भारत के, कोई जाति पाति की बात नहीं, पर्यावरण प्रेमी ये समझते हैं, उनमें ही पर्यावरण रक्षा की बात है, इस बारे में आप अपने क्या विचार हैं? देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का अधिकार है कि प्रदेश में किनको मंत्री बनाया जाए, किनको विभाग दिया जाए, ये मुख्यमंत्री का अधिकार रहता है। और पर्यावरण के बारे में बात ठीक है कि पर्यावरण के बारे में गुरु में से भगवान ने आज से, अब हम जो उच्चारण आज कर रहे हैं, भगवान आज से 5 साल पहले ही बातें सोच था अभी पर्यावरण की ये दिक्कत हो जाएगी, तो ये पर्यावरण बारे में तो ये है, लेकिन बनाना नहीं बनाना ये अधिकार मुख्यमंत्री जी का। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का है, जैसी सोच है मुख्यमंत्री की और वो दोबारा सत्ता की बात उन्होंने संभाली है, मैं समझता हूँ कि जो जिस लाइन का एक्सपर्ट है उसकी अगर सेवाएं समाज को मिले तो इससे न केवल समाज का हित होगा, पर्यावरण का हित होगा, और ये प्रदूषण की समस्या, क्यों वैसे तो मंत्री बनाना ये मुख्यमंत्री का प्रोरोगेटिव है, लेकिन ऐसी हरियाणा की जनता आपके सदव्यवहार से, कुशल व्यवहार से ऐसा वो समझती है कि दूड़ा राम जी को ऐसा अवसर मिलना चाहिए। बाकी बात आपने ठीक है, मुख्यमंत्री जी का है, लेकिन आपकी क्या अब आगे की रणनीति रहेगी समाज में, लोगों को आपको विधायक चुन के भेजा है भारतीय जनता पार्टी का और आप 4 तारीख को शपथ भी लेने जा रहे हैं MLA के तौर पर विधानसभा में, तो आप क्या सपना संजोए हुए हैं आम जनता के कल्याण के लिए? मैं खासकर फतेहाबाद के हर वोटर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया करना चाहता हूँ, उन्होंने मेरे पर विश्वास किया, इतना कह सकता हूँ।